सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। खबरों में बात होगी अवैध संबंध में पत्नी के हत्या की, परदेशियों को डीएम की पुकार की, भदोही पुलिस के चेतावनी की, ऐसी तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं आज इस खबर से। घर के सामने खेल रही 7 वर्षीय एक मासूम बच्ची को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपने चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार हो गया था। मामला उस थाना इलाके के नवधन गांव का है। नवधन निवासी शेर बहादुर बिंद की 7 वर्षीय पुत्री साक्षी बिंद शनिवार की शाम 5 बजे अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी गांव के प्राइमरी स्कूल में ईंट गिराकर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घर के सामने खेल रही मासूम साक्षी को अपने चपेट में ले लिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही ऊज इंस्पेक्टर दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर के बाद ही सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय भी पहुंच गए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए मासूम बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पत्नी के अवैध संबंध से तंग पति ने अपने ही अर्धांगिनी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के बाद शव को घर के समीप एक कुएं में फेंक दिया और पुलिस को सूचना दे दी कि झगड़ा करने के बाद उसकी पत्नी लापता हो गई है। यह पूरा मामला है गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे रजई का, लेकिन भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की गोपीगंज पुलिस ने वारदात के कुछ ही दिन बाद भी इस पूरे राज का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 अप्रैल को पूरे रजई मोहल्ले में पवन श्रीवास्तव की पत्नी 34 वर्षीय वंदना श्रीवास्तव का शव उसके ही घर के समीप एक कुएं से बरामद हुआ था। पवन श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी झगड़ा कर घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी थी। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस संग पूरे रजई के लोग भी चौंक गए। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के नेतृत्व में विवाहिता वंदना श्रीवास्तव की मौत को लेकर गोपीगंज पुलिस जांच में जुटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का माथा ठनक गया। मृतक वंदना श्रीवास्तव के पति पवन श्रीवास्तव को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिसिया पूछताछ के दौरान पवन श्रीवास्तव पूरी तरह टूट गया और सारे राज उगल दिए। बताया कि उसकी पत्नी वंदना श्रीवास्तव से एक रिश्तेदार का अवैध संबंध था, जिसकी शिकायत उसने वंदना के भाई से भी की थी। हमेशा वह फोन पर रिश्तेदार प्रेमी से लगी रहती थी और अक्सर लापता हो जाती थी। अवैध संबंध से तंग आकर पवन श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी वंदना श्रीवास्तव की हत्या कर घर के समीप कुएं में फेंक दिया था और पत्नी के गायब होने की कहानी रच डाली थी। चौरी के बरवा सुन्नी नूरी मस्जिद में शनिवार की रात पहले रमजान से चल रही तरावी खत्म हो गई। तरावी खत्म होने पर हाफिज सलमान अहमद का नमाजियों ने जहां जोरदार स्वागत किया, वहीं जलेबी व खुरमा बांटा गया। चौरी के बरवा सुन्नी नूरी मस्जिद में तरावी खत्म होने पर नमाजी बच्चे बड़े बुजुर्गों ने हाफिज सलमान अहमद को माला पहनाकर गले लगाया और इस पल को युवा नमाजियों ने अपने मोबाइल में कैद भी किया। इस मौके पर अफसर अंसारी, सलीम अंसारी, कासिम अंसारी, मेराज अंसारी सहित काफी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। सूर्यामा सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के बीच पट्टी बेजाव गांव के समीप टाउन दादर गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। सूर्यामा रेलवे स्टेशन मास्टर की सूचना पर सूर्यामा पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला लाल कलर की साड़ी पहने हुए थी। घटना स्थल पर आसपास के खेतों में काम कर रहे कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस सरपतहा भेज दिया था। फिलहाल महिला स्थानीय है या कहीं दूर की, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाई है। टीनसेट के अंदर खड़े ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर में आग लगने से हड़कंप मच गया था। मामला भदोही शहर के पिपरिस बरखंडी का है। कैलाश नाथ यादव अपने टीनसेट के अंदर ट्रैक्टर खड़ी किए हुए थे। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई।
ट्रैक्टर की छतरी, सीट, पीछे का टायर व रिंग जलकर खाक हो गया। कैलाशनाथ यादव के मुताबिक टीन सेट में लगे विद्युत तार के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर में आग लगते ही फौरन इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कैलाशनाथ यादव ने ट्रैक्टर जलने की जानकारी भदोही कोतवाली पुलिस को दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने गैस एजेंसी पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए शनिवार को हंगामा कर दिया और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मामला देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी एक गैस एजेंसी का है। गैस गोदाम एजेंसी पर हंगामा कर रहे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का कहना था कि वर्ष 2017 में सभी का गैस कनेक्शन मिला है। लगातार लाभार्थी गैस चूल्हा पाइप रेगुलेटर के लिए चक्कर लगा रहे हैं। लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि 2 से 3 हजार रुपया सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। नाराज लाभार्थियों ने शनिवार को हंगामा करते हुए डायल 112 पुलिस बुलाया था। उधर गैस एजेंसी के जिम्मेदारों से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश की गई तो लगातार उनका मोबाइल बंद आ रहा था। प्रियामा भदोही मार्ग के चौथार चकिया मोड़ के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार जहां गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं दूसरे बाइक चालक को भी मामूली चोटें आई थी। सुरियामा के हरिहरपुर निवासी योगेश कुमार मोड़ बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर शनिवार की शाम बाइक से घर जा रहे थे। चौथार चकिया मोड़ के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में योगेश कुमार जहां घायल हो गए, वहीं धक्का मारने वाले बाइक सवार को भी मामूली चोट आई है। यह बाइक चालक गोपीपुर का निवासी बताया गया है। घायलों का इलाज सीएससी सुरियावा में कराया गया। औराई के ताल समझा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। गेहूं की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। आसपास सैकड़ों बीघा गेहूं के खेत मौजूद थे। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर बड़ा अग्निकांड होने से बचा लिया है। औराई के पूरे मिश्राइन गांव निवासी प्रहलाद मिश्र का ताल समझा में खेत है। शनिवार की सुबह खेत के ऊपर से गुजरे ट्यूबवेल के हाई टेंशन विद्युत तार से चिंगारी निकली थी। चिंगारी खेत में गिरते ही गेहूं में आग लग गई। देखते ही देखते धू धू कर खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलने लगी। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ से आग पर काबू पाने के साथ साथ फौरन इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर औराई पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा सैकड़ों बीघा दूसरे किसानों की फसल जलकर खाक हो जाती। ज्ञानपुर के भिदिवरा गांव में लिप्टस के पेड़ से गिरकर एक मजदूर घायल हो गया था। पेड़ से गिरते ही समीप मौजूद मजदूरों में हड़कंप मच गया। ज्ञानपुर के ही घराव नट बस्ती निवासी जलील का 30 वर्षीय पुत्र मुस्तकीम अपने भतीजे हुसैन के साथ भिदिवरा लिप्टस का पेड़ काटने गया था। मुस्तकीम पेड़ पर चढ़ा था, तभी वह अचानक नीचे गिर गया। आनन फाने में घायल मुस्तकीम को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। रामनवमी ईद अंबेडकर जयंती को लेकर शनिवार को भदोही कोतवाली में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर भदोही कोतवाली में बुलाई गई इस बैठक में भदोही तहसीलदार संजय कुमार, सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर अमरजीत चौहान सहित दोनों समुदाय के धर्मगुरु, इलाके के सभासद व सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीओ भदोही ने साफ शब्दों में कहा कि किसी नए परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी, बगैर अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं, अराजकता फैलाई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। भ्रामक व अफवाह फैलाने वाले पोस्ट पर सतर्क निगाह रखी जा रही है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अलविदा नमाज संपन्न होने के बाद अब मुस्लिम बंधु ईद की तैयारियों में जुट गए हैं। ईद की खरीदारी के लिए बाजारें गुलजार हो गई हैं। ईद खरीदारी की यह तस्वीर आई है औराई की घुसियां बाजार से। बाजार में सजी कपड़े, जूते, चप्पल, कुर्ता पजामा, सेवई, पापड़, चिप्स, इत्र सहित तमाम दुकानों पर खरीदारों की भीड़ पहुंच रही है। रोजा इफ्तार के बाद बाजार में माधो सिंह, औराई, पियरोपुर, खमरिया जैसे इलाकों से महिला पुरुष खरीदार पहुंच रहे हैं। बच्चे अपने मनपसंद की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं।
महिलाएं भी सौंदर्य प्रसाधन सहित जमकर घरेलू सामान खरीद रही हैं। ईद को लेकर महिलाओं व बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ईद को लेकर घुसियां बाजार गुलजार है। आधा दर्जन से अधिक मनबल युवकों ने कोचिंग जा रहे एक छात्र को घेरकर मारपीट कर घायल कर दिया है। ईंट पत्थर से छात्र पर हमला किया गया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पोस्ट ऑफिस के पीछे सब्जी मंडी का है। चक डोडर निवासी रजनीश तिवारी नामक एक छात्र कोचिंग के लिए पैदल जा रहा था। रजनीश तिवारी के मुताबिक आधा दर्जन युवक पहुंचे और उस पर पथराव करने लगे, जिससे उसके सिर में चोटें आई थीं। छात्र रजनीश अपने साथियों के साथ ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की थी। आधा दर्जन युवकों ने छात्र पर हमला क्यों किया, इस बात की चर्चा जोरों पर है। घोसियां के चौधरी नगर मोहल्ला दर्जियान की मस्जिद में रात को 27वीं दीनी तरावी मुकम्मल हो गई। घोसियां निवासी हाफिज अनवर अहमद ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने के मौके पर मस्जिद को खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। तरावी मुकम्मल होने पर तबर्रुक का वितरण किया गया। साथ ही हाफिज अनवर अहमद को मोहल्ले वासियों ने उपहार भेंट कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में अल्लाह रखा, नजरुद्दीन, पप्पू मिराज, मासूम सहित काफी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। जौनपुर का रहने वाला अब्दुल हाकिम नामक बाइक सवार परिवार की एक महिला सदस्य को बैठाकर लिप्पन त्रिपोहानी से रसपुरा चौराहे की तरफ जा रहा था। ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचा तभी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक चला रहे अब्दुल हाकिम के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जबकि सवार महिला बाल बाल बच गई थी। सूचना पर कस्बा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार यादव मौके पर पहुंचे थे। रास्ते से गुजर रहे ऑटो चालक अशोक जायसवाल व काजीपुर निवासी आमिर हमजा नामक जैसे युवकों के सहयोग से घायल सवार को अस्पताल भेजा गया था। कोयरौना इलाके के मैलोना निवाजीपुर गांव में ट्रैक्टर से जा रहा थ्रेसर अचानक पलट गया। खेत के पगडंडी रास्ते से होकर एक ट्रैक्टर चालक थ्रेसर ले जा रहा था। पगडंडी के मोड़ पर अचानक थ्रेसर पलट गया, जबकि ट्रैक्टर सुरक्षित खड़ा रहा। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चेरापुर निवासी चालक चला रहा था। पगडंडी के रास्ते पर कोई राहगीर मौजूद नहीं था, अन्यथा चपेट में आ सकता था। फिलहाल आसपास के खेत में काम कर रहे किसानों की मदद से थ्रेसर मशीन को सीधा किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अभोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत गौरा में एक जन चौपाल का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह रहे। भदोही जिले में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए डीएम ने मतदाताओं को शपथ दिलाते हुए जागरूक किया। मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए डीएम ने कहा कि सुरक्षित व शांतिपूर्ण वातावरण में निर्भीक होकर सभी मतदान करें। डीएम ने मुंबई में रह रहे एक परदेशी से टेलीफोन पर वार्ता कर भदोही जिले के अलग अलग प्रदेशों में रह रहे परदेशियों को मतदान के लिए पुकारा है। इस मौके पर सीडीओ यशवंत कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी मिर्जा इरफान बेग, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संग बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय जोरई में पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी का ध्वज फहराते हुए महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। स्थापना दिवस पर दीपक मिश्रा व अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश विकसित व समृद्धशाली भारत बनने की ओर अग्रसर है, वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में माफिया अपराधी जेल जाने में भी डर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, कन्हैयालाल मिश्रा, अशोक जायसवाल, सिराज अख्तर सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खेत के बीचों बीच लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को खाक कर दिया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के हरदुआ गांव का है। इलाके के रामनगर निवासी करिया उर्फ भोलानाथ सरोज का घर से कुछ दूरी पर हरदुआ गांव में खेत है। खेत में गेहूं की फसल पक चुकी थी। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने किसान की फसल को तबाह कर दिया। ग्रामीणों ने रहटा से मारकर गेहूं के खेत में लगी आग पर काबू पाया था। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत घुसिया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कुंवर गौरव सिंह के निर्देश पर अंबेडकर नगर मोहल्ले में छिड़काव कराया गया। सभासद वाजिद अली की निगरानी में नगर पंचायत घुसिया के कर्मचारी मुकेश व विजय ने छिड़काव किया। सभासद वाजिद अली ने बताया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत वार्ड नंबर 4 अंबेडकर नगर में यह छिड़काव कराया गया है। भदोही जिले में भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की धूम रही। भदोही शहर के नई बाजार पटेल नगर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजीव मदनवाल, दिलीप गुप्ता, हरिशंकर मदनवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई चौराहे पर विधायक दीनानाथ भास्कर की मौजूदगी में स्थापना दिवस मनाया गया है। इस मौके पर राजेश सरोज, राकेश सिंह, बबलू आदि मौजूद रहे। पार्टी के स्थापना दिवस पर भदोही शहर के धौरारा शक्ति केंद्र पर पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस मनाते हुए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया है। सूर्यामा के अटल चौराहे पर भी जयचंद यादव, आशीष उपाध्याय, नन्हे सिंह जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खान में भी भाजपा सभासद प्रदीप यादव के आवास पर स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राकेश धीवर, पुल्लू मदनवाल, मनोज कुमार, आनंद सिंह, ब्रजेश पाल आदि लोग मौजूद रहे। शनिवार को जिलाधिकारी विशाल सिंह ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए डीएम ने जिला वॉलीबॉल संघ द्वारा ऊंच के मुगरहा में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। नवयुवक संघ भदोही व मिर्जापुर के शहर के खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए डीएम ने खेल को खेल भावना से खेलने की अपील की। कहा कि जैसे खेल से शरीर स्वस्थ होता है, वैसे ही मतदान से राष्ट्र सशक्त बनता है। युवाओं से डीएम ने 25 मई को मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, यशवंत कुमार सिंह, सृष्टि नारायण सिंह, संतोष गुप्ता आदि मौजूद रहे। आप अपने परिवार के बुजुर्ग व बच्चों के जन्मदिन की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज को फोन कर सकते हैं। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।